नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय के कैन मोहल्ला स्थित चंदेल होटल में नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर बैठक आहूति की गई, जहां जागरूक मंच के द्वारा आयोजन किया गया नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को केंद्र सरकार ने लागू किया है, जिसके समर्थन में उमरिया नगर के रिटायर्ड अधिकारी, गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा साथी एवं जनप्रतिनिधिगण सहित पत्रकारगण एवं व्यापारी बंधु अधिक संख्या में पहुंचकर अपने विचार रखते हुए समर्थन किया है। वही भाजपा नेता मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्र की सरकार ने विगत दिनों नागरिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धर्म और मजहब के प्रताड़ित लोग हैं एवं सुरक्षित नहीं थे और वर्षों से इस देश में आकर पड़े थे, जहां नागरिक संशोधन कानून बनाया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग देश में दुष्प्रचार करने लगे और मुसलमानों को कहने लगे कि तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। इसी दुष्प्रचार से निजात पाने के लिए बुद्धिजीवियों की उपस्थिति पर सीए के संबंध में विस्तार से जानकारी रखते हुए यह बैठक आहूति की गई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। हर समुदाय में लोग कुछ उपड़ांग लोग होते हैं, इस करके थोड़ा सा हवा बिगाड़ दिया वहां पर दोस्तों है, कोई किसी को घर से निकाला नहीं जा रहा है, ये उनको परेशानी जाएगी। जो बाहर के लोग हैं आज वो सोचे आ जाए तो अब नहीं आ पाएंगे, और जो यहाँ पर रह गए हैं उनको कोई किसी को ना हटाया जाएगा ना कोई किसी को निकाला जाएगा, वो यही रहेंगे, सब कुछ उनका यही है, किसी के अफवाह में ना आए। ये तो शुरू से ही देख लो, ये चाह रहे हैं कि सब अगर मोदी जी कर देंगे तो हम क्या करेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, किसी की जागीर नहीं है, हमको सब मिलके सब भाईचारे में रहना है और रहेंगे। केंद्र की सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने इस हिंदुस्तान के परम वैभव को बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान के सम्मान को बचाने के लिए, इस देश के अंदर जो आज 70 वर्ष से नासूर जैसे मुद्दे चले आ रहे थे उनको एक एक करके निपटाने का भरसक प्रयास किया है। 1955 का उस नागरिक अधिनियम में संशोधन किया और उनने संशोधन यह किया कि ये जो सिख, बौद्ध, ईसाई, ये जो लोग हैं प्रताड़ित होकर, मजहब के आधार पर प्रताड़ित होकर अपना घर द्वार छोड़ करके वर्षों वर्षों से हिंदुस्तान की शरण में थाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को हम नागरिकता देंगे, ये हमारा कमिटमेंट था। आप जानते हैं कि कोई कानून पारित होने के पहले हमारे संविधान की जो व्यवस्था है वो विधेयक लोकसभा में आता है। सरकार के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी विधेयक, कोई भी अधिनियम पारित होता है संसद के अंदर, सदन के अंदर आता है। लोकसभा में 2/3 से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार की का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था। लेकिन मुद्दा जिनाई था, मुद्दा राष्ट्रहित में था, मुद्दा वो मजहब के आधार पर प्रताड़ित लोगों के इज्जत और सम्मान का था, उनकी बहन और बेटियों के सम्मान का प्रश्न था। तो ये चाटुकार राजनीति करने वाले लोग, जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग राज्यसभा में मौन रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि ये देश का, राष्ट्रहित का जो विधेयक था, नागरिक संशोधन अधिनियम था, वो राज्यसभा से पारित हुआ। माननीय हमारे मोदी जी, अमित शाह जी ने जो अधिनियम लागू किए, इसी के विषय में चर्चा की गई। जो जबरदस्ती का अफवाह जो लोग फैला रहे हैं कि तुम लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, तुम लोग यहाँ के नागरिक नहीं हो, तो इसी विषय में यहाँ बैठक हुई है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के लोग हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं ये उनके लिए है कि उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। आते हैं उन्हीं के लिए हम लोगों को बुलाया गया कि आप लोग जाइए। उन्होंने कितना अच्छा किया, जो राम मंदिर का जो चल रहा था मुद्दा, हम रामायण में गए थे भी एक दिन, तो भारत में जन्म लिए हैं वो कोई अवतार है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। तीन तलाक का जो मुद्दा था वो उन्होंने कितने आराम से निपटा दिए। कश्मीर का मुद्दा जन्म से चल रहा था, उसको उन्होंने निपटाया। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने निपटाया।
तो इस प्रकार के वो जो काम कर रहे हैं वो कोई अवतारी हैं। लोग भाग जाओ, जिससे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को जो बीच में झगड़ा फैला रहे हैं, ऐसा अखबार और टेलीविजन के माध्यम से और ये जो सोशल मीडिया है उससे लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे यूपी का मामला हो, वहाँ पर ये बड़ा कत्लोगारत का माहौल बना हुआ है। हमारा भाईचारा, हमारा अमन, हमारा चैन छिन गया है, तो ये बड़ी विडंबना है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हम जल्दबाजी में कर जाते हैं, शायद उसके लिए मनस तैयार नहीं था, शायद उसके लिए जिस तरह की पीपुल एजुकेशन की ज़रूरत थी कि लोग उस बात को समझ पाएं, तब कोई इस तरह के कानून अगर सामने आते हैं तो वो लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इतना ज़्यादा प्रतिवाद, इतना ज़्यादा इस पूरे मसले का प्रतिरोध हो रहा है, तो फिर इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, वो हठधर्मिता का रास्ता छोड़ना चाहिए, बातचीत का रास्ता शुरू करना चाहिए। आसानी से हमारा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला मामला है हल हो गया, कुछ हु हल्ला नहीं हुआ। दूसरा हमारा अभी रहा अनुच्छेद 370 हमने हटा दिया जम्मू कश्मीर से, वो भी शांतिपूर्वक हो गया, हमने उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये सब बड़ी आसानी से काम होते जा रहे हैं और अब उसको जो भड़काने का जो उद्देश्य होता है कुछ लोगों का, वो खासकर मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग ने अब वास्तविकताओं को समझना स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसने बड़ी सहमति से स्वीकृति के साथ हिंदू मुस्लिम जो जिसको लोग व्यापार के रूप में बनाकर अपनी रोटियां सेक रहे थे, उन्होंने वो उस व्यापार को बंद। चंदेल होटल में जो बैठक आयोजन किया गया है वो देश में चल रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत समर्थन में बैठक आयोजन किया गया है। इसमें उमरिया जिले के सभी वर्ग के सदस्य उपस्थित हैं, जाति समुदाय के हैं, सभी लोग उपस्थित हैं और इसमें समर्थन सभी लोग कर रहे हैं। अपने उमरिया जिले में आज तक कभी इसका विरोध नहीं हुआ है, बाकी जितने देशों में जो विरोध हो रहा है वो गलत है और हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कार्यक्रम है ये बुद्धिजीवी, व्यापारी और रिटायर्ड कर्मचारियों का की संगोष्ठी थी, जिसका आयोजन जागरूक मंच ने किया था। देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने विगत दिनों नागरिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो धर्म और मजहब के प्रताड़ित लोग हैं, जो सुरक्षित नहीं थे, वे वर्षों वर्षों से इस देश में आके पड़े थे। ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, इनको जो अपना घर द्वार, बहन बेटियों की इज्जत लेकर यहां पड़े थे वर्षों वर्षों से, इनको उस नागरिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से कानून बनाया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए। लेकिन कुछ कतिपय राजनीतिक दलों के लोग देश के अंदर, खासकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, इस देश में नागरिक संशोधन अधिनियम का दुष्प्रचार करके देश के अंदर मुसलमानों के बीच में जा जा करके ये कहते हैं कि तुमको इस देश से निकाल दिया जाएगा, और देश में जो आग लगा रहे हैं, तो इससे निजात पाने के लिए देश के बुद्धिजीवी, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरे देश के अंदर बुद्धिजीवियों का, व्यापारियों का, रिटायर कर्मचारियों का इस तरह की गोष्ठी करके ये आग्रह किए हैं कि जो भ्रामक प्रचार CAA को लेकर के, नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर के देश में भ्रामक प्रचार करके मुसलमानों के बीच में भय पैदा करके देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, गृह युद्ध की ओर भेज रहे हैं, दंगा कराना चाहते हैं, उसके लिए बुद्धिजीवी यहां इकट्ठे थे और सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह किया गया कि आप निकल करके और CAA के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दें। और प्रतिपक्ष के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा जो भ्रामक प्रचार माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों के बीच में किया जा रहा है, उनकी शंका को दूर करें। तो हम ये बात अपनी रखना चाहेंगे संविधान की उद्देशिका से कि हम भारत के लोग, अभी बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं, भ्रामक चीजें चल रही हैं, जैसे NRC वगैरह है, समझौते से हमने बाबरी मस्जिद का मैटर सॉल्व कर दिया,
समझौते से हमने धारा 370 को वो सब कर दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं कुछ मीडिया और कुछ लोगों के द्वारा, हम प्रबुद्ध वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो चार वर्ग है, ये सब व्यापारी संघ, ये सब सब लोग लगे हुए हैं। हम सब बैठ करके ये बताना चाहेंगे कि हम एक हैं। हर रोज एक अशफाक और बिस्मिल की कहानी लोग सुनते, हमारे क्रांतिकारी थे, हर रोज अशफाक और बिस्मिल साथ खड़े हैं, लेकिन हम सबको एक रहना है। उस नमन करता हूं उस गांधी जी को जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा परमो धर्म कहा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तूफान से कश्ती उतार के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बंधु, अधिवक्तागण, अन्य अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग सब इकट्ठे हुए और सबने एक संगोष्ठी के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने का प्रयास किया है और सबने आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि हम पूरे जिले के अंदर, उमरिया जिले के अंदर, लोगों को घर घर जाकर इस बात से अवगत कराएंगे, इस कानून के बारे में बताएंगे। ये जो कानून है, एक्चुअली ये 6 समुदाय जो अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, और अपने सिख समुदाय और अपने बौद्ध हैं और जैन समुदाय, ये इन समुदायों को, हिंदू भाइयों को नागरिकता देने के लिए ये बिल है। ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, जिसको सभी ने अच्छे समझा और सबने निर्णय लिया है कि हम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हैं और इस बिल का, इस कानून का, नागरिकता संशोधन अधिनियम का हम पुरजोर समर्थन करते हैं।